साधु करो सत्संग। यार मैसेज के कोई उपाय है? मैसेज के कोई उपाय नहीं, मैसेज कोई उपाय नहीं। हमारी यही विनती है सभी लोगों से, आपके क्षेत्र में भी अगर बंदर हो तो उनको भी चाहे एक केला दो केला ही खिलाएं, लेकिन चाहे गेहूं ही खिलाएं, थोड़ा बहुत जरूर। अरे वो भंवरे सुन के इनकी बड़ी लंबी चौड़ी प्लानिंग है। अच्छा हाँ, कहें हम इनका पूरा वहाँ स्कूल टाइप का खोलेंगे। अरे वाह, हाँ पता नहीं कौन आदमी है साहब, यानी स्कूल का मतलब बाकायदा टाइम से इनको खाना पीना, जी जी सब इनके दवा दरमत की व्यवस्था। हाँ हाँ, तो शांति लाल जी जैसे लोग अगर हो जाए। अरे बाप रे बाप, ऐसा अब भी आएंगे तो हम मिलवाएंगे। अच्छा नहीं, हम उस दिन मिल लिए होते अगर गए होते भौरे से, हाँ। बहुत अच्छे हैं। नहीं कौन कौन सुनता है आज बताइए, आज आज लोग अपने माँ बाप को पानी नहीं पिलाते, ऐसा युग है तो कलयुग है ना, इसीलिए तो अगर माँ बाप को लोग पानी नहीं पिलाते तो भोगते भी तो हैं। सही बता रहे, कोई एक आदमी बता दो जो सुखी हो। ये देखिए दुलारे सिंह, ये दुलारे सिंह, ये राम राम उसको देने दो भैया, ये दुलारे सिंह को ले लो भाई, तुम भी ले लो भाई, ले लो भाई। देखो छोटा बच्चा वहाँ से आवाज दे रहा है, देखा ऐसे फेंकेंगे अब उसको एक आध दो टुकड़ा मिल जाएगा, सब छोटे छोटे फेंकता है, अलग फेंकेंगे दूर से सब छोटे वाले उसमें बेल रहे हैं। देखो वही सब देखने वाली चीज है, सब उसमें इनको दिखाएंगे वहाँ फेंकेंगे। ये देखिए कितने मासूमियत इनमें, उतना फेंक दिया है इनकी इनकी पहचान लीजिए, इनकी सिंघाड़े की दुकान थी। अच्छा, इनका घाटा हो गया था तब ये चले आए रायबरेली। देखो ये हमने हाथ किया भाग गया, देखा मतलब इनको छुओ मत, छुओ मत, सही। पता इन लोगों में क्या है। अब देखिए थोड़ी सी रोटी मिल जाती है इन लोगों को, कितना राहत हो जाता है, कितनी राहत मिल जाती है महाराज। मंदिर है, घंटी है, घंटा है, घंटी घंटा पूजा पूजा लोग बहुत करते हैं, पूजा पाठ आप करिए लेकिन साथ साथ इनका भी ध्यान दीजिए। आप इनका जब ध्यान देंगे वो महापूजा अपने आप हो जाएगी। पोस्ट मास्टर भौरे सुर जाते हैं जी जी। और मंदिर जाना छोड़ दिया उसने जी, हाँ वो नहीं जाता, बाहर जहाँ जोड़ देता। हमने कहा जो काम कर रहे हो इससे बड़ा कोई मंदिर नहीं है, हाँ जोड़ लो बात खत्म, हटो। इनका गुणगान तो हम लोग खूब करते हैं लेकिन इनकी सेवा की जब बारी आती है, हाँ हाँ, तो इनको हम लाठी लेके दौड़ाते हैं, लाठी लेके दौड़ाते हैं। वही तो अब भोगते हैं, अब भोगते हैं तो ये नहीं जानते हैं लोगों गाड़ी के मारे जो है। हटो भैया, हटो हटो किनारे, पहले के समय में ऋषि मुनि जो थे बाबा, यहाँ दिखाओ सर बंदर को, दिखाओ हमारे सत्र से नहीं, कैसे वो शांति लाल को सब बड़े बहुत पसंद आते हैं, वो बंदर को बंदर थोड़े कहते हैं, वो बालाजी 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 बालाजी। अब बछिया की हालत जो है कम से कम 10-12 हजार रुपया लगेगा बछिया दिल्ली भेजने में। बाप रे, अपनी गाड़ी भेजेंगे तो 5-6 हजार में हो जाएगा। अपनी गाड़ी कौन लेके जाएगा है? कौन लेके जाएंगे? अरे अब देखो ड्राइवर से बात करेंगे, आदमी भेजेंगे, 10-12 हजार का खर्चा है ये मान के चलो। इधर आओ तुम लोग, सड़क से हटो, गोल 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 कटहा बालम गोल गोल घूमने लगता है। आज वो नहीं आई, आज हथकटी नहीं आई, पता नहीं कहाँ छुट्टी हुई, नहीं होगी अगर
बड़े तरकीब देखो यह है कटर बालन देखा जहाँ जहाँ बच्चे जाते हैं वहाँ वहाँ ये आ जाते हैं वो है हथकटी देखो वही है ना देखो हाँ वही है वही है सूरज बैग लाइट बैग ये देखो खा रही है देखो छोटे की हिम्मत है बड़ों की हिम्मत नहीं है हम देखाएं अरे ले 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 भैया अरे लाम लाम अरे लाम लाम एक बुढ़े इधर देखाओ बुढ़े को उसके लिए पूरी छूट है पांडे अरे सफल मुसीबत बुढ़े आओ जितना हम बताइए आओ आओ रहो आओ एक कोई गंदा रखा कर दिया अरे आओ ना खड़ा आओ रहो आओ बताइए आओ ये आओ ले ये हथकड़ी हाँ ले ले हथकड़ी ये नहीं है अरे यही है हथकड़ी यार हथकड़ी कहीं चली गई वो जो लगता है हथकड़ी है ये देखे ये हथकड़ी ही तो है अच्छा तब ऐसा भ्रमित में डाल दे हथकड़ी और जल्दी जल्दी ये हथकड़ी है हथकड़ी कितनी छोटी थी और कितनी बड़ी हो गई जल्दी जल्दी हथकड़ी खाओ देखो सबको रोक रखा है हट 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 ले भीख मांगी ये देखो ये भीख मांगती है ये खाओ ये देखो खाओ खाओ जल्दी हथकटा गाड़ी आ रही जा रही है देखो वहाँ पर बालाजी बैठे हैं अब उनको फिर लो बालाजी उठा ले जरा से मिला बालाजी छोटे से बालाजी दूर चलो लो बालाजी अरे घर आओ भाई वहाँ खा लो चलो हटकटा जल्दी खाओ हाँ जल्दी खाओ खाओ यह है भिकमंगिन खाती जाएगी और चिल्लाती जाएगी हाँ ताकि इसको दुगना तिगना मिल जाए देखो हटकटी कैसा खा रही है ये देखो ये सब छोटे छोटे बालाजी लोग इनका काम चल गया ये भेजमंगिन का बस करे तो हथकटी को काट ले बुरी तरह अच्छा आओ हथकटी आओ यहाँ देखो ये देखो 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 सांधी भाई ये कहता है अरे उधर मत जाओ गाड़ी आ रही है छुओ मत ये देखो हथकटी को छू रहे नहीं बोल रही है बुढ़िया मनक्का हटो नीचे दिन के खाओ मनक्का देखो हथकटी कैसा खा रही है इसीलिए सब इससे जलते हैं इसका हाथ नहीं ठीक ना इंसानों की तरह इनमें भी है इंसानों में जो कमजोर हो जाता है उसको सब दबाते हैं बात वैसे इनमें भी है बस खुल जा हथकटिए जाओ आओ क्योंकि खतरनाक मामला है ना जी अब यहाँ बैठे हैं एक दूसरे को भगाए आ गई गाड़ी मेरे सबसे गाड़ी वाले मरते हैं सुनसनाटा रास्ता ठीक है लाइट बैग कहीं जाओ एक करोड़ बार हमने कहा अब ये अब दिखेगा हमारा सकल और आप यूँ घूम गए तो कैमरा उधर तो चेहरा गायब जी तो चेहरा आना चाहिए तो कोई क्या बोल रहा है क्या कर रहा है उधर स्ट्रीट लाइट दिखा दो वो सब स्ट्रीट लाइट जल गई चलो तो आपको हमको फोन तो कर देना था आपको नंबर मिलते नहीं 94 वाला 94500 अरे 94 के चक्कर में कहाँ पड़े हो नया नंबर ये दो हमारा अच्छा 94 तो बंद रहता है ज्यादा से ज्यादा हाँ वही रात में 2 बजे 3 बजे आता है 94 पर बोलो अच्छा तो ठीक है हम वाणी को विराम देते हैं और शांति लाल जी के बारे में आप क्या कहेंगे शांति लाल जी के बारे में ये कहेंगे वो देवता आदमी है देवता आदमी चलिए और क्योंकि उन्होंने जो छोटे से बच्चे का जो
कष्ट था उसको उन्होंने समझा, उन्होंने जाना, जाना। और दौड़ करके मुंबई से दौड़ करके रायबरेली आना छोटी बात नहीं है, छोटी बात नहीं। लोग है जो तीर्थ करने नहीं जाते इतनी दूर, और 3 लाख रुपया दे गए, 3 लाख रुपए दे गए बाबा जी को। खैर पैसा तो जो तो खर्चा हो रहा है जो है सो है, लेकिन जो भावना उनकी कितनी बड़ी है, कितनी भावना कितनी बड़ी है, सही बात भाई। 3 लाख रुपए तो जो दिया ये तो बहुत बड़ी सहायता है ही है बाबा के लिए, ऐसा आज तक हमको नहीं लगता कोई मिला होगा बाबा को जो इतनी सहायता दिया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद शांति लाल जी को। नहीं ऐसा है, सुमन माँ की जगह तो कोई ले नहीं सकता। हाँ, सुमन माँ जी की भी उनकी उनकी जगह कोई नहीं ले सकता है, इसलिए श्याम साधु ने उनको माँ का दर्जा दिया है जी। तो हड़ो भाई हड़ो, सुमन माँ जी तो बहुत दिन से लगी हुई है, हड़ो हड़ो, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो बाबा जी अब सुमन माँ स्वयं ने इतना बड़ा काम बीड़ा उठाया है उन्होंने जी, कि हद से ज्यादा। अच्छा हाँ, तभी तो उन्होंने बछिया के लिए कहा तो 10-12 हजार से कम नहीं लगेगा है, लगेगा। अब हम मामा ट्रांसपोर्ट में कल बात करेंगे। अच्छा हाँ, कि भैया वो बछिया को किसी एन के एन प्रकार रेंट भेजवाओ वहाँ पर। बाबा जी से जुड़े हुए सभी लोग जैसे शांति लाल जी जैसे लोग हैं, संजय मिश्रा जी लोग हैं, तो ऐसे ही बाबा का मनोबल बढ़ाते रहिए। और शांति लाल जी को तो हमने वीडियो देखा है, बड़े प्रेम से उन्होंने बालाजी को खिलाया था, तो बाबा जी अगर उनको इतना मानते हैं और शांति लाल जी बाबा जी को इतना मानते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात। भैया हमारा उनका ये तय हो गया है। अच्छा, कि उनकी हमारी समाधि भवनेश्वर में ही बनी है। हमने कहा बड़ी अच्छी बात है। अरे वाह, लेकिन हाँ अच्छा एक बात बताइए, जिस भाव से वो शांति लाल जी लगे हैं हनुमान जी की सेवा में जी, क्या वो चमत्कार देखेंगे कि उनके खानदान में उनके इस मित्रों में कोई नहीं, बजरंग बली की कृपा नहीं कोई देख पाएगा, ये मानते हैं ना? सही बात है। कई परसेंट मानते हैं? 100% मानते हैं। 100% सुनो शांति लाल जी, ये बाबा का वचन है, 75 साल हो गए करते करते, तब वर्ल्ड को चैलेंज किया है, समझ गए? ये सब जिनका आँख का पानी मरा हम नहीं बोल रहा है, क्या बाबा जी जो बोलते हैं वो सही होता है, सही होता है, यही यही तो हमारा भाई, हम हो या कोई हो जो सत्य बोलेगा वो सही होगा। उसका उसका कारण ये है क्योंकि बाबा जी सेवा ही इतनी ज्यादा पराकाष्ठा जो बोलते हैं, लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा है जो तारीफ करते हो बाबा जी की, तारीफ लायक है बाबा जी तो करते हैं। आप ऐसा बाबा कहीं ढूंढ करके ले आइए पूरे विश्व में जो, तो हम तारीफ उनकी करें, बाबा जी की तारीफ हम कम कर दें। भाई आप ढूंढ करके लाइए ऐसा कोई बाबा तो हम उनकी तारीफ करना चालू कर दें। अब माकूल जवाब दिया उनकी तारीफ का। अच्छा, एक बात और बता मैं, शांति भाई आपको अभी तो आपको अनुभव हो रहा है, आप हनुमान जी के उसमें हैं, ज्यादा नहीं 2 साल के भीतर आपके अंदर वो ज्ञान आएगा, वो ज्ञान आएगा, आप बड़ों बड़ों की बोलती बंद कर दोगे 2 साल के अंदर। ये बताइए कि अगर आप सड़क से जा रहे हैं और रास्ते में कोई सुअर मरा अधमरा पड़ा हो तो क्या आप घर पे लाएंगे? कभी नहीं लाएंगे। बहुत मुश्किल है कि आप उसको है जो अस्पताल वालों को सूचित करें, लेकिन हमने अपने आंखों से देखा है बाबा उठा करके लाए हैं उसको, है जो पूरा सेवा किए हैं और उसके बाद उसको है जो अंतिम जैसे अंतिम यात्रा नहीं होती है, अंतिम संस्कार, अंतिम संस्कार वैसे उसका अंतिम संस्कार किया है और लोगों को इकट्ठा करके, तो ये तो अपने आप में ही अच्छी एक पशुओं के लिए, वो भी भारत जैसे देश में जहाँ जागरूकता की इतनी कमी है पशुओं के प्रति, यहाँ लोग है जो अपने परिवार के इष्ट मित्रों की मदद नहीं करते, पशुओं के प्रति कहाँ कौन देखता है। मेरा ये कहना है कि एक छोटे छोटे जानवर को भी मरना है, आपको भी मरना है, तो फिर आप अल्लाह खुदा भगवान के आप इतने ठेका कैसे ले लेते हैं? मौत अपनी रोक के देखाओ तो हम जाने तुम्हारे अल्लाह ने तुम्हारे भगवान ने तुम्हारी मौत को रोक के दिखाया, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, अपनी मौत रोक के दिखाओ तो कुछ नहीं, सब बराबर है, सबके अलग अलग श्रेष्ठता है, अलग अलग उसका वजह हुआ है। हम किसी को तकलीफ देने का मुझे कोई हक नहीं है, हम कोई भगवान तो है नहीं, हम क्यों किसी को सजा दें? और उसी का अंजाम है कि जानवरों की हाय, चिड़ियों की हाय, ये इनकी हाय मिलके क्या चीज इस धरती पर बन गया, मिसाइलें बन गई, एटम बना। बोलो मानते हो कि नहीं मानते? मानते, आप जानते हैं इस चीज के बारे में है जो साइंस में
रिसर्च हुआ है। अच्छा। और रिसर्च से पता चला है कि जो पशुओं को डेली काटा जाता है ना, आपको पता है करोड़ों की संख्या में पशु काटे जाते हैं। ठीक है, लोगों को बातें अच्छी नहीं लगती है कि क्या ये बात कर रहा है, ब्राह्मण और हिंदू की बात कर रहा है। ये बताइए, इतने पशु काटे जा रहे हैं और इनकी हाय और इनकी चीख की वजह से निगेटिविटी प्रकृति में बढ़ती है। ठीक है, हम नहीं चाहते बोलना, लेकिन जब हम लोगों को आओ यार, काहे हम खड़े हैं, जाओ खड़ा, कोई नहीं बोलेगा, जाओ। हम स्वयं में कुछ नहीं बोलना चाहते, लेकिन जब हम लोगों को ये सब देखने को मिलता है भारत जैसे देश में, बताइए भारत जैसे देश में जहाँ राजा राम जी ने जन्म लिया वहाँ पर पशुओं की हत्या हो रही है। ओ यार, अब वो भी गाय की, वो भी गाय की, गाय और उसके बाद और भी पशु, क्या उनमें जो जान नहीं है? एक चिड़िया है, मुर्गा है, मुर्गी है, बकरा है, आप उनको काटे डाल रहे हैं बलि के नाम पर, और दुनिया भर की नौटंकी के नाम पे आप काट रहे हैं। अगर आप भगवान या देवी देवताओं के नाम पर या अल्लाह के नाम पर अगर आप काटते हो, तो आपके पास कोई पावर तो होना चाहिए। आप अपने मुसीबत को रोक के दिखा दो, और एकाध एक अपनी मुसीबत रोक के दिखाओ, अपनी शकल को सुंदर बना लो। भाई आप तो अल्लाह भगवान वाले हो और क्या, पावर वाले हो, तो भाई कुछ करके दिखाओ। तो कुछ नहीं करते हो, बीमारी आएगी तो मर जाओगे, बस मुसीबत आएगी, हड्डी टूटना होगा, टूट जाएगा। तो तुम्हारे में जानवर में इसीलिए ऊपर वाले का इंसाफ देखो कि उन्होंने ऐसा सिस्टम बना दिया कि तुम चाहे जितने बड़े पावर वाले हो, चाहे जितने बड़े बाबा हो, तुम्हारी औकात उतनी ही है जितनी एक चींटी की है, एक कुत्ते की है, गधे की, एक सुअर की है। और भारत देश में चींटियों को भी खिलाया जाता है, मछली को खिलाया जाता है। और तुम मछली मार के खाते हो, और वहाँ बंगाल चले और शोक्ति और शक्ति का मैं पूजा करता हूँ, मरघुल्ले एक झापड़ मारो। इसी तरह आसाम में हम कह रहे हैं, सोचिए भोरे भुवन जी, इसको कहते हैं एक ईश्वरी शक्ति हमसे कोई करवा रहा है। बिल्कुल आसाम में, बिल्कुल हम क्या हमारी उम्र रही जब हम गए थे, और एक तांत्रिक से भिड़ गए। और यहाँ गवाही है, किसी दिन हमारे घर आइए तो मैं डिग्री कॉलेज चौराहे पर वो दुकानदार है उनके सामने मैं बोलूंगा। अच्छा। केवल आप सुनिएगा। जी जी। नौ लोग गए थे और हम तांत्रिक से भिड़ गए। हमारे एक साथी को दुर्गा प्रसाद मिश्रा महात्मा गांधी में वो हिंदी के टीचर रहे, तो उन्होंने हमसे कहा एक तरह कह दो, लंबी लाइन है, जरा जल्दी हो जाए। अच्छा। तो हमने कहा कि एकदम राम राम नारायण कटके रहे वो जी बाबा, बहुत पढ़े लिखे, दुर्गा प्रसाद मिश्रा, उनका लड़का जागरण में है। तो हमने उससे पंडित से कहा, वो जो तांत्रिक है सब, उस हर पंडित तांत्रिक एक खाओ। तो हमने कहा देखिए बूढ़े आदमी मोटे आदमी है तो थोड़ा दिक्कत होती है, थोड़ा जल्दी करवा दीजिए। जी जी। तो कहता क्या है, ए मोटा चुप, इतने हरामजादे आदमी को धमक में देते हैं, तब हम तो कह रहे हैं कि कामरूप कमख्या में पूरे विश्व में वो जादू की नगरी कही जाती है। ठीक जी जी। लेकिन हम पूरे नगरी को चैलेंज कर रहे हैं कि को तुम्हारे में कोई दम हो खम हो भाई, तभी तो हम, अगर हमको वहाँ कोई वहाँ के तांत्रिक, अरे कहाँ से गिरा है, कोई तांत्रिक अगर हमें जरा एक रोमा टेढ़ा कर देना तो हनुमान जी की पूजा पाठ अंदर बंदर सब छोड़ देंगे, नासें रोग हरे सब पीला। जपत निरंतर हनुमत जीरा। तो जब हमने कहा तो उससे बोलने की समय, इसको खोलना मत, कट कर दें? नहीं नहीं, हाँ आप कर दो। नहीं, शांति प्रजापति जी का है ये। हाँ, अच्छा जी। तो अब इसको चालू करोगे तो ये लाइव ये चालू रहेगा, वीडियो? हाँ, वीडियो तो चालू रहेगा। हाँ,